अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फयाज लंजवानी और आप देख रहे हैं लंजवानी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने IDM को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और पूरी ज़िंदगी उसको किस तरीके से लाइफ टाइम इस्तेमाल करना है। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा कि किस तरीके से आप IDM को इंस्टॉल कर सकेंगे और उसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो सर्चर बॉक्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। और यहां पे आपने क्या करना है, आपने यहां पे लिखना है फाइल हिप्पो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। और यहां पे फाइल हिप्पो आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा और इसके साथ ही आपके सामने फाइल हिप्पो डॉट कॉम के और डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से एक वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आपने उसको ओपन कर लेना और उसके बाद आपने अगर नीचे आपके सामने लिस्ट में अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर आपने सर्चर बॉक्स में लिखना है IDM। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपने IDM लिखना है और उसके बाद इंटर दबाना है और उसके बाद आपके सामने IDM के हवाले से या और भी सॉफ्टवेयर के हवाले से लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपके सामने IDM आ गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पर डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है ताकि जो है ना ये सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करे। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं IDM डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा यूट्यूब की तरह, यानी कि यूट्यूब पे हम कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप उसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकेंगे। जैसे ये डाउनलोड होता है मैं अपनी वीडियो को अभी स्टॉप कर लेता हूं और इसको जो है ना फिर यूज़ में कर लेता हूं, बल्कि जल्दी ये डाउनलोड हो चुका है, मतलब डाउनलोड हो रहा है। इसकी वजह से मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा बिकॉज ये कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड होगा ये डायरेक्टली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको आपने किस तरीके से यूज़ में लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और इसको हम जो गूगल क्रोम है इसको ऑफ़ कर देते हैं, यानी कि बैक चले जाते हैं और उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। अभी इसको भी मैं नो करूँगा, इसको भी नो करूँगा, जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन पड़े हैं इनको तमाम को मैं क्लोज़ कर दूंगा। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है हमारा ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। इस पर जो है ना आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी तो आपने क्या करना है मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ये स्क्रीन ओपन होगी तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि आपने अगर आप इसको पढ़ना है तो आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं, वरना आपने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और साथ ही नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। जैसे ही आप जितना नेक्स्ट आएगा आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये आपके सामने IDM का जो सॉफ्टवेयर है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा और उसको आपने जो है ना शो होने देना है। और उसके बाद आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसको अगर आपने सेटिंग नहीं दी हुई तो आपने सेटिंग दे देनी है। सेटिंग किस तरीके से देते हैं, यहाँ पर आपने अपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद मोर एक्सटेंशन में जाना और यहाँ पे आपने मोर टूल्स में जाने के बाद एक्सटेंशन में जाने के बाद आपने इसको जो परमिशन है आपने परमिशन दे देनी है। लेकिन इसको परमिशन डायरेक्टली हमने देनी है तो इसको हमने दोबारा से अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने यूट्यूब में जाना है और यहाँ पे आपके सामने IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स एडेड और यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ इनेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये अब हमारा इनेबल हो चुका है, ना ही इसने कोई रजिस्ट्रेशन की मांगी है ना ही कोई चीज़ मांगी है। और यहाँ पे कोई फ़ाइल अगर आपको डाउनलोड करके दिखाऊं तो आपको मतलब कोई ऐसा टॉपिक हो ताकि मेरे भी काम आए उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर कोई भी आपके सामने एरर नहीं आएगा। और ये हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है और यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड करूंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं डाउनलोड दिस वीडियो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा जो IDM है आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड कर रहा है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन की मांगी है ना ही कोई चीज़ मांगी है। आपके सामने हमारा जो IDM है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आप इसको पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक वीडियो आप जो भी वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करते जाएँ जो भी आपने ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं, वरना आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके पे आपने अगर अमल करना है तो इंशाल्लाह आपका जो IDM है लाइफ टाइम चलेगा और आप उसको कभी भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कभी भी आपके पास की नहीं आएगी कि आप इसको रजिस्टर करें या कोई भी चीज़ करें।
तो यहाँ पे मैं एक और वीडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपके सामने तमाम चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे IDM भी आ रहा है और यहाँ पे अगर आपको दोबारा इसको करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई वीडियो मैं इसलिए नहीं चलाना चाह रहा क्योंकि यहाँ पे होता है कुछ एरर होता है या कोई मतलब कॉपीराइट का मसला आ जाता है कोई किसी भी बंदे की अगर वीडियो हम यहाँ पे डायरेक्टली चलाएं। अगर हम डायरेक्टली इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से, आपको पहले भी डाउनलोड करके दिखाया है, दोबारा भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है। इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी इसकी एक्सटेंशन 480 पिक्सल, 240 पिक्सल, 144 पिक्सल, 360 पिक्सल या 720, जो भी आप पिक्सल डाउनलोड करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, बस आपको सिखाना था IDM को आप लाइफ टाइम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।